प्रणाम, मैं भवानी शंकर। आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पखावज नमन। पखावज की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में गर्जना होती है। पखावज नाग ब्रह्म है। इसके माध्यम से ध्यान पीस मेडिटेशन और योगा में इसका उपयोग किया जाता है। पखावज द्वारा भगवान शिव को नमन किया जाता है। गुरु, माता पिता, दर्शकों को और चाहने वालों को नमन किया जाता है। जो आज मैं पखावज नमन बजाने जा रहा हूं, जो कुदोस सिंह घराने की रचना है। मैंने ये रचना मेरे पिताजी गुरु पंडित बाबूलाल जी से सीखा है और आप लोग आज इसको सुने। पखावज नमन। धन्यवाद।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट बने हैं। बचपन से आपको सुनती आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका पक्का वचवादन। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने। अरे ये मेरे प्रभु राम की कृपा है। पंडित जी, आपका जो बचपन था, मैंने सुना आपने अपने घर में ही शिक्षा शुरू हो गई थी, आपके पिताजी के द्वारा आपने शिक्षा पाई है। तो वो जो आपने जब शिक्षा पाई, उस समय का आपके पिताजी के साथ उनका शिक्षण देने का तरीका था, आपके घराने के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। वो जो शिक्षण का एक प्रोसेस रहा, लर्निंग का उस समय, उसके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम पंडित भवानी शंकर है और मेरे चाहने वालों को, आपको, पब्लिक को, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मैं अब शुरू करना चाहता हूँ। मेरे घराना, जो मेरा घराना है वो जयपुर घराना है। जयपुर घराना एक नृत्य का घराना है, बहुत बड़ा घराना। और मेरे पिताजी बहुत बड़े जयपुर घराने के गुरु रहे हैं और वो बहुत बड़े नृत्यकार थे, नृत्य आचार्य थे। और फिर उनको शौक था कि मैं पखावज बजाऊं। मैंने मेरे पिताजी, मेरे पिता गुरु पंडित बाबूलाल जी, तो यहाँ बॉम्बे में पीपी टैंक लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, आज भी है, बहुत अच्छी जगह है। तो वहां मृदंग आचार्य माखन लाल जी रहते थे और वहां मंदिर में बजाते थे। तो उनके पास पिताजी गए और शागिर्द बने। बापू आपे गांवकर थे, वो भी उनके शागिर्द थे। फिर छोटे लाल भी उनके शागिर्द, फिर मदन लाल जी, फिर मेरे पिताजी बाबूलाल जी। ये काफी बॉम्बे में ऐसे लोग थे और भी उनके शागिर्द थे, बड़े पखावज के विद्वान थे। माखन लाल जी, माखन लाल जी का घराना था उदो सिंह घराना। तो वो चलते रहा सिलसिला। और मेरे को जब पिताजी बोले कि भवानी को भी मैं पखावज सिखाऊंगा, तो उन्होंने फिर वो पखावज मेरे हाथ में दी। तो पखावज इतनी मेरे से बड़ी होती थी। अब मैं बच्चा था, 15-16 साल की उम्र थी, 14 साल की। अब वो पखावज बजाना खाने का काम नहीं, तो हम फिर पखावज सिखाते थे। तो वो बोलते थे, देखो कोई चक्करदार, कोई पारण टुकड़ा बजाने की जरूरत नहीं। पखावज के जो मेन बोल है, जो प्रधान बोल है, उसको तुम प्रैक्टिस करो, सब पखावज आ जाएगा, ये बोले थे। तो वो वहां से फिर मैंने शुरू किया, कड़धाती तय तागे थी, कड़धाती तय तागे थी, कड़धाती तय तागे थी। ये जैसे रागों का विस्तार होता है, जैसे बोलों का भी चलन होता है, जैसे रागों में आरोह अवरोही है, वैसे बोलों में भी आरोह अवरोही। तो ऐसे तो कर्धा की तय तागे थी, कर्धा की तय तागे। अब गधी की न नागे थी, गधी की न नागे थी। अब कैसे कितने तक तागे थी, कैसे कितने तक तागे, कर्धा कर्धा तागे थी, कर्धा कर्धा तागे। ये ऐसे बोल धाकड़े तक धुमकड़े तक धट्टा, धाकड़े तक धुमकड़े तक धट्टा, कतान धागे थी, कतान धागे, कतान धागे थी, कता कतान, कता कतान, कड़धा थी, धागे। तो ये बोलों का रियाज करवा देते। मेरे को यहाँ पीठ में दर्द होता था, थाप मारने से, पखावज बजाने से, लेकिन मेरे को बोलते थे नहीं, एक घंटा तो बजाई लो कम से कम। तो भले उसमें मेरे को तबीयत खराब है, 104 बुखार है, तो भी बोलते थे नहीं बजाना पड़ेगा, डॉक्टर। अच्छा बाबू जी बजाता हूँ, क्या बोलते हैं साहब, तो करता था रियाज करके। एक घंटा बाबू जी को बोलते, बाबू जी एक घंटा हो गया ना, तो बोलते हाँ। तो मेरी माँ को बोलते थे इसको खाना दे दे, आप सो जा, तो उड़ के सो जाता था। प्रोग्राम सुनता था मैं, जैसे पंडित गुदई महाराज का, पंडित किशन महाराज जी, उस्ताद अल्लाह खान साहब। एक बॉम्बे में एक जगह थी, ये आपको मैं 70-71 की बात बोल रहा हूँ, सीजे हॉल रीगल सिनेमा के पास, कावस जी जांगीर आर्ट गैलरी होता था। तो वो म्यूजियम के सामने बस डेपो, वहां उसके सामने होता था। और ऐसे ऐसे कलाकार, दुनिया के कलाकार आते थे और मैं सुनने जाता था। मैं ये सोचता था मन में
इनके जैसा कब बजाऊं मैं। तो घर पे आके रियाज 4 घंटे करता था, तो 5 घंटे कर देता था, इनके जैसा बजाना है। तो ऐसा सिलसिला चलते रहा। 20 साल मैंने रियाज किया ऐसा कि मैं जानता हूं या भगवान जानता है। और कमाई की सोची नहीं और प्रोग्राम की सोची नहीं। कोई पैसा दे तो ठीक है, नहीं दे वो भी ठीक है, तो लेकिन मेरे को भगवान में बस। तो बजाता था, रियाज करता था, फिर ऐसे करते करते 10 घंटे बजाने लग गए रियाज, 10 घंटा बैठ के रियाज। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि दिन भर बजाना ही बजाना है, कुछ नहीं है। तो ऐसा चलते रहा 20 साल। 20 साल के बाद में फिर मैंने थोड़ा गर्दन उठाई, तो राधिका जी 20 साल मैंने रियाज किया और 10 साल मैंने पहचान बनाने में लगाई पीआरओशिप के लिए। तो जिंदगी के 30 साल तो ऐसे ही गए। और फिर अभी नाम हुआ ये 20-25 साल से, और फिर भगवान की कृपा हुई, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं लगी। और अब हम संगीत की सेवा करते हैं और जितना हो हमारी पकाओ प्रचलित हो पूरी दुनिया में, और प्रभु राम की कृपा से हो गई। अरे वाह जी जी। हम मृदंग की बात कर रहे हैं, मृदंग की जन्म के बारे में बात करें तो एक कहानी सुन रखी है कि त्रिपुरासुर को जब मारा गया था, त्रिपुरासुर नामक का जो असुर था, राक्षस था, उसको जब मारा गया था तो उसकी चमड़ी से और उसी की अस्थियों से ब्रह्मा जी ने इस वाद्य का निर्माण किया। और पहले इसको मृत अंग यानी मिट्टी से बना हुआ होता था ये पहले, बाद में इसमें ये लकड़ी वगैरह लगने लगी। तो इस तरह की कहानी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पखावज के जन्म के बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से, आपको क्या लगता है किस तरह से हुआ होगा। वेद ऐसी चीज है कि वेदों का जो मामला है तो उसके जो ऋचाए भावार जो वेद है उसमें मृदंगी बजती है। जब शंकर जी तांडव करते थे तो डमरू बजता था और उनके साथ वो नंदी, नंदी का संस्कृत में नाम है भंगी, वो बहुत बड़े संगीतकार थे, वो मृदंग बजाते थे। उनका संस्कृत में क्या नाम बताया आपने? भृंगी। भृंगी हाँ, भृंगी नाम है उनका। तो वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे नंदी, तो वो मृदंग बजाते थे। अब आप चलिए गणपति पे, तो गणेश जी का तो वाद्य है ही, ठीक है। और हनुमान जी ने भी बजाया मृदंग, हनुमान जी बहुत बड़े संगीत तज्ञ थे। और उसके बाद में भगवान इंद्र ने बजाया। अब आप चलिए अज्ञातवास में अर्जुन उत्तरा को डांस सिखाने के वक्त मृदंग बजाया और रावण ने भी बजाया। हाँ, तो उसके जो रावण तांडव बोलते हैं, लेकिन रावण तांडव नहीं है, रावण अस्तुति है। मैंने सारे बरूजी दर्शन भी करता हूँ ना, उसे कंपोज भी करता हूँ, तो मैंने किया है। तो वो क्या है, वो अपने गुरु शिष्य परंपरा रावण और भगवान शिव से कोई बड़ा नहीं है। ये सुनिए, मैं मेरे मर्दन का प्रोग्राम करता हूँ, मैंने उसका नाम रखा है पखावज धरोवर, ये हमारे भारत की धरोवर है और गुरु शिष्य परंपरा का उसका कनेक्शन है। मैं आप कहें तो एक सुना दूं? जरूर जरूर बोल के। जरूर 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 सॉरी नहीं 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 जरूर। रावण कथा जटाठ विगल ज्वरम प्रभाव विभाव कलैवलम बलम विताम भुजंग कुंदमालिका शम जम 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 निनाद मत्तवलय चकार दंड तांडवम करोतु नः जीव जीवम डबाक डब डब डबाक डब डब डबाक डब डब डबाक डबक 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 महाकाल। अब सर्पर्ण है, नागपर्ण सुनिए इसी में, क्योंकि नाग तो वासुकी है ना, भगवान शिव के गले की माला है, उनका नाम है वासुकी। तो
ऐसे तो ये है। तो प्रभाव जो वहां से और अज्ञातवास में उत्तरा को डांस सिखाने के लिए अर्जुन ने पखाव बजाई, हनुमान जी ने बजाई, रावण ने बजाई, गणेश जी ने बजाई और गोरखनाथ जी, स्वामी गोरखनाथ उनके गुरु कौन थे, मच्छंद्र नाथ, उनकी शादी हो गई थी रानी के साथ और गोरखनाथ जी गुरु ने बोला था तू जरा इतनी तपस्या करके जा तो आप तो तू सक्सेस हो जाएगा। तो करने गए, बाद में पता चला आश्रम में आए वापस तो बोले कि हमारे गुरु जी कहाँ गए, सागर तो गुरु भाइयों को पूछा तो बोले कि वो तो रानी के साथ शादी हुए, हाँ ये हो ही नहीं सकता है। बोले हाँ तो गए तो फिर मृदंग में जाग बचंदर गोर खाया, जाग बचंदर गोर ऐसे सब बजा के और स्वामी विवेकानंद ने भी बजाया। मतलब विवेकानंद जी तो बहुत अच्छा संगीत निष्णात थे वो। मैंने बहुत अच्छी बात बताई आपने पखावज के बारे में, उसके जन्म के बारे में। पुराने समय में जैसे पढ़ा है कि रक्त चंदन की भी लकड़ी पखावज के लिए इस्तेमाल होती थी। अभी रक्त चंदन तो हो नहीं सकता, अवेलेबल ही फनस की होती होगी। और कौन सी लकड़ियां अभी इस्तेमाल हो रही हैं पखावज के निर्माण? नहीं, फनस की नहीं होती है, पहले होती थी शायद रक्त चंदन, फनस, ये सारी क्या होता था पुराना शीशम और वो बीजे की लकड़ी होती थी बीजा साल। फिर तो आम की भी आती है, नीम की भी आती है, वो हम यूज नहीं करते। और मैं तो सो बात की एक बात बोल, लकड़ी कौन सी हो आपको बजाना होना चाहिए। पत्थर भी बोलते हैं अगर बजाने वाला हो वो लकड़ी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस लोगों ने कह दिया। एक्चुअली तबले के पहले तबला क्या नाम था मालूम आपको? दुदुआ। दुदुआ मिट्टी का ही होता था, तबला नहीं था। और लोगों ने बोला कि पखावज होता था तो तबला बन गया, रॉन्ग बात है। वक्त चेंज हुआ, अमीर खुसरू के टाइम इसका नाम अपने प्राचीन नाम मृदंग है संस्कृत में जी, और तबले का नाम था दुदुआ। हाँ, फिर इसका नाम अमीर खुसरू के टाइम पखावज हुआ और उसका नाम तबला हुआ। तो अब उसको पकड़ने में कोई लोग डिटेल में जाते नहीं, इतने डिटेल में जाता कौन है, नहीं। और जैसे जैसे अभी मैं गुरु बन गया या आप गुरु बन गए, वो अपनी अध्याय चला दी, तो ऐसा नहीं होता। और एक बात को कोई सही तरीके से पेश नहीं करता है तो क्या बोले। अमीर खुसरो को तो बहुत सारा क्रेडिट दे दिया गया है, मतलब बिना वजह का। अमीर खुसरो साहब को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया गया, सारे वाद्य उनके नाम से हो गए कि उन्होंने आविष्कार किया, सितार क्या, तबला क्या, सब उनके नाम से हो गया कि उन्होंने किया। वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे लेकिन उन्होंने आविष्कार नहीं किए थे। नहीं, ये देखो भाई हमारी जो परंपरा है ना हजारों वर्ष है पुरानी, आप सुनिएगा मेरी बात जी। और उस परंपरा को वही बोल रहा हूँ ना, जैसे समय चेंज हुआ वैसे वैसे अपनी अपनी गाथा कहने लग गए लोग जी जी। तो अब बोल ही नहीं सकते हम, हम बोलेंगे तो लोग हमको गलत बोलेंगे, तो भी चल रहा है बस। पंडित जी, पखावज में बहुत सारे नवीन नवीन प्रयोग हो रहे हैं। मतलब मैंने देखा है जो आटा होता है पखावज का, जो गेहूं का आटा हम यूज करते हैं पखावज में सभी लोग पुराने समय से, उसकी जगह भी कुछ नया एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में जो शायद बार बार यूज किया जा सकता है, तो उस तरह का हो रहा है। फिर मुझे एक है, उन्होंने बताया कि पखावज में बहुत सारे दूसरे वाद्य भी मिलके बजे हैं, इस तरह का कुछ प्रयोग चल रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग पखावज में चल रहे हैं, आप क्या कहते हैं इन प्रयोगों के बारे में? और इस तरह का कुछ आपने सोचा क्या है, आप कुछ करना चाहेंगे क्या, या आपको क्या सही लगता है? आप मुझे एक बात बताइए, ये हमारी ओरिजिनल चीज है जी, ठीक है। और गेहूं का आटा नहीं लगेगा, वो अपने जर्मनी में जैसे गार्लिक का पेस्ट होता है ना, गार्लिक का पेस्ट, वैसे एक मटेरियल उन लोगों ने पेस्ट बनाया था। तो मेरे को दिखाया
साउथ इंडियन लोगों ने, बोले भवानी जी आप ये यूज करो। मैं बोला नहीं यार मेरे से बजेगा नहीं। क्या होता है आटा और हाथ, ऐसा आटा लगाने में बजाने में ऐसा नहीं है, या वो पेस्ट लगा लो बजा लो ऐसा नहीं है। उसके आटे का जो थीरी है, आटे का वाद्य मतलब बजाया जाता है आटे के साथ, वो एक अलग ही है। अब आटा तो आप देखिए कि कितना लगाते हैं, कोई कितना लगाते हैं। मैं लगाता हूँ आटा तो आप देखोगे कि आप हाथ नहीं मार सकते, उतनी ताकत लगती होगी, लेकिन वो ताकत नहीं होगा तो कैसे निकालोगे। आई डोंट लाइक इट दिस साउंड फॉर हाउस, तो ये गलत है। तो हम तो ये नहीं मानते इस चीज को। हम तो मेरा आटा फॉरेन में भी जाता हूँ, दो दो महीने टूर करता हूँ, मेरा एक डब्बा भर के रखता हूँ साथ में, मेरे को जितना चाहिए होटल में मेरा आटा बना के, और एक धाम आते ही सुर में बोलता है दाया बाया अपने आप, वो उस्ताद ही है। पका तो बहुत बजा रहे हैं, अब वो बोली नहीं काट रहे बिल्कुल। अब मेरे को नहीं उनको समझाना है, क्यों समझाऊं, जो महान लोग हैं। आपके वादन शैली के बारे में, क्योंकि मैंने जाना आपने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत कुछ नया एडिशन किया आपके वादन की स्टाइल में, आपने जो अपनी स्टाइल बनाई है, अपनी जो शैली बनाई है वो बहुत अलग बनाई है, उस शैली के बारे में आप थोड़ा बताइए ना। मैं बोला ना आपको कि मैं एक एक बोल को दो दो घंटा तीन तीन घंटा निकालता था, कोई चीज नहीं बजाता, तो स्टार्ट टू फिनिश क्लियर शब्द होने चाहिए जी, बताइए होने चाहिए कि नहीं जी। और डीप में जाके सोचना पड़ता है, हर एक का काम नहीं। जब भी मेरे को 20 साल लगे रियाज किया, और बोलों का जो नीचे बजे वो ही ऊपर बजना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बोल बजाने का। शब्द है हमारे पखावज के बोलों शब्द है। एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ताल है, ताल का जो शब्द है जो आप पखावज में बजाते हैं, जो तालाघात जैसे हम कहते हैं, आघात कहते हैं, उसका हमारे जो आपके बोल हैं पखावज के, उनका जो उसकी ध्वनि है, मतलब कभी कम है कभी ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके जो अलग अलग कायदे होते हैं पखावज की, जो बातें होती है बंदिशें होती है, उनका अभिभिन्न तालों का मनुष्य के शरीर पर, चर अचर प्राणियों के शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। वाह बहुत अच्छी बात कही। मैं म्यूजिक थेरेपी भी किया है, सुनिए। अरे वाह वाह वाह, म्यूजिक थेरेपी। हाँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर कैनी थेरेपी करता है, वो मेरी पखावज सुन के ही करता है। अच्छा, वो कितना बड़ा डॉक्टर है, थेरेपी देते हैं डॉक्टर कैरी। हाँ, अब आप मेरे को बताइए, देखिए वो जो म्यूजिक थेरेपी का पखावज बजाना है ना, वो टुकड़े टुकड़े नहीं है, परन नहीं है, सियाहिया नहीं है, रेली नहीं है, वो है नाद ब्रह्म साउंड है जी जी। ये सुनिए मेरी बात। अब मैं आपको पखावज की ध्वनि की बात करते हैं, तो धा, अब धा हमने बात खाली धा मारने से नहीं है, उसका सस्टेन रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक थेरेपी। धा परंत, ये जो हम करते हैं ना, आज पूरे भारत में परंत खत्म हो गई है, ये मींड वाली परंत है, ये हमारे पुराने उस्ताद लोग, पुराने गुमी लोग, विद्वान लोग करते थे, क्योंकि इसमें सीने में जोर चाहिए। ये खाना सुमारी बोलते हैं, जो कलाकारों की लैंग्वेज है, खाना सुमारी मतलब वो उसकी गैप को भरना, जैसे पासिंग नोट होता है आप लोगों का ना, जैसे बजाने में पासिंग नोट लगाते हो ना, जो भी है करते हो ना, वैसे हमारे में भी है, धा गे के दिन, ये पासिंग नोट, धा गे के दिन, धा वही आ गए। तो आप रिदम वाले को रिदम बजाओ, लेकिन कम से कम अंदर से गाना आना चाहिए, नहीं तो आप कभी रिदम नहीं बजा सकते। तो बजाओगे लेकिन हाफ हार्टेड बजाओ, चलते रहेगा तो ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, कि हम कोई भी चीज का वर्णन करते हैं, धा देता, अब देखो ये सुर है कि नहीं,
गणित का है तड़न था प्रधान था ये गेता के गेता का चिंता का चिंता अब बोलिए चिटका ता घिन ना गण लगदा ता दुम के लगदा दादान ताला अब लो तो ये इन चीजों की स्टडी हो जाती है ना तो फिर आप छा गए यू आर द ग्रेट लेकिन ये चीजों को इतना लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है समय भी नहीं है ठीक है सही बात है आज वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है तो सबको भी रोजी रोटी की तो जरूरत है आपने ताल की बात कही तो कुछ कुछ ताले ऐसी है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है अब जैसे झपताल है झपताल कौन सी लय तक अच्छा लगता है रूपक कौन सी लय तक अच्छा लगता है जी। ये मैं बताता हूँ धिन नाथ रे धिन नाथ धिन नाथ री धिन ना दिन ना दी दिन ना दिन ना दी दिन ना दी दिन ना दिन ना दी दिन ना दिन ना दी दिन ना दी दिन ना दिन ना दी दिन ना रूप खराब हो गया ताल का ठीक है उसकी ब्यूटी खत्म हो गई दिन दिन ना दिन तड़के दिन ना दिन दिन ना दिन तड़के दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन ना देखिए एकदम चेंज हो जाता है जी। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ प्राचीन है ये चीज अब जैसे ये धमार है ये यहाँ तक अच्छा लगेगा कदित अब ये वीर रस हो गया पहले श्रृंगार रस था धा धा दिन इधर तक ठीक है दादा दिन था तो ये रूप खराब होता है और ये भी सुनिए कि पखाव जाई तो ध्रुपद धमार आया मेरा क्वेश्चन है कि क्यों और ताल की कसम खाइएगा बराबर है और ताल की कसम थोड़ी है तो मैंने क्या किया ध्रुपद धमार बरसों से सुने पकाओ जाई और वाह वाह धमार बजाओ ले भाई धमार बजा दिए कभी ध्रुपद बजाओ ध्रुपद बजा दिए मेरे को खुद को कंट्रोल आने लग गया तो हम क्रिएटर लोग हैं ना एक चीज के पीछे नहीं पड़ते पड़ते तो पूरी दुनिया के पीछे पड़ते और सबके लिए सोच लगाते तो मैंने आप बताइए आप कि तिलवाड़ा पखाज में बजाया क्या नहीं बजा मैं खुद बोलता हूँ तिलवाड़ा गाने में बजाया में हाँ मैंने तिलवाड़ा बजाया अरे सब लोग मेरे को बोलते अरे पखाज का तिलवाड़ा है ही नहीं मैं को इधर आओ हाँ पंडित जी मैं को तिलवाड़ा बजाना खत्म है क्या मैंने ये बताओ तो मैं आज के बाद नहीं जाऊँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं पखाज की दो ही तो काल ध्रुपद और धमाल कोई ये तुम लोगों ने जो गलत फैला के रखा है तो ये गलत अब विचित्र वीणा आप जो वीणा बजाती हो तो विचित्र वीणा में अगर आप फोग बजाओ तो क्या गुना है गुना नहीं है क्योंकि सुर है हाँ सुर है अब विचित्र वीणा में आपको क्या ते ते ना ए ना अब तीन तीन ना ये लेकर नहीं बरोबर नहीं अरे मोटिव बरोबर नहीं लय बड़ा जी तो बरोबर नहीं कम में बजाए तो ठीक है कम बजाए लय में तो बोले बरोबर नहीं बजा रही अरे वॉट इज अरे उनसी दुनिया से तुम ज्यादा बजाए तो बोले बहुत हो गया कम बजाए तो बोले बजाए ही नहीं ये सत्ता भगवान भला करेगा याद रखना लेकिन पता नहीं क्या मैं तो नहीं समझा पूरा बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा करने दे भाई जिसका नाम होता है उसी की ही चर्चा होती है याद रखना मेरी बात ये बात बिल्कुल सही है बस करते रहो जी हाँ अभी जैसे आपने कहा कि और ये बात बिल्कुल सच है कि एक माइंडसेट हो जाता है सेंटर वीणा में ऐसा ही बजना है पखावज में ऐसा ही बजना है इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा डेयर करनी पड़ती है अगर कुछ हम लोग उसमें प्रयोग करने जाते हैं या बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरह से आज के लोग भी उसको बजाय उस हिसाब से सोचने जाते हैं
पर जहां बात आती परंपरा की, तो मुझे लगता है कुछ परंपरा हमको संभाल के रखनी चाहिए। अगर हम बात करें पखावज में कुछ बहुत अच्छे अच्छे ताले थी पहले, जैसे ब्रह्म ताल हुआ करती थी, लक्ष्मी ताल मैंने देखी है, 15 मात्रे के अलग अलग ताले देखी है, तो ये बजना बंद भाई साहब। हाँ भाई, ये सब बंद बंद होगी, लेकिन सुनने वाला कौन है पहले तो ये बताइए। आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, पब्लिक बोलती है यार फुकट खोटा दिमाग हाथों में आ जा, क्या कर तो नहीं है। अब 15 मात्रा अब ये शुरू कर दो। अरे बाप रे यार, मैं बोला भगवान बैठा है, जो हो रहा है अपन भी वही ट्रेन में चढ़ो, फायदे में रहोगे। अब मेरे को, मैं बड़ौदा में बजा रहा था, 3000 आदमी बैठा और मेरा आया रात को 12 बजे टाइम। अब वो जो कर रहा था प्रोग्राम, वो पहले बोला कि मैं डांस कर लूं फिर भवानी जी को बाद में बजा दे, तो पब्लिक तो आई मेरे लिए, उसको फायदा मिल गया। अब मैं बैठा तो मैं बोला अभी चलो 32 की लय कायम करके 5 दर्जे का चक्करदार करूंगा, सब गुणी लोग बैठे थे तो बजाऊंगी नहीं। फिर दूसरा 13 मात्रा से उठा। अब वो कलाकारी मेरे को बोलते हैं आइटम से 2 घंटा बजाया खत्म होने के बाद। अरे भवानी जी, पहले ये बहुत लंबा था, मैं ऊपर से नीचे ऐसे देखने लगा, राधिका जी ये जब कलाकार बोल रहे हैं तो मेरा तो बजाना बेकार है, क्या फायदा बताइए आप। वो परंपरा को क्या करूं मैं रखते बहुत, और मैंने क्या किया सुनिए, मैंने परंपरा को रख के और अपना क्लियर कर दिया है। सुनिए ये तो मूव करना हर एक का काम भी नहीं है, उसके लिए दिमाग लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। अब आप देखिए कि संतूर के साथ फ्लूट, ठीक है, संतूर कितना सॉफ्ट है, पखावज कितना हैवी है, लेकिन जब मैं बजाता हूँ संतूर के साथ वो कोई नहीं बजाता, ये भी सुनो, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये चैलेंज है कि मेरे प्रभु राम की कृपा से, और इसमें मेरे को संतूर के साथ बजाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, वो बोलते थे मेरे को ऐसा बजा, और हमारे शिव कुमार शर्मा जी कम से कम हरि प्रसाद जी और शिव कुमार जी के मेरे रिलेशन है समझिए 76 से, तो कितने साल हो गए 43 44। तो ये लोग विद्वान लोग, संगीत और आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, ये भी सुनो, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो संगीत आपको आएगा भी नहीं जिंदगी पर, ये बात सच है। और जब आध्यात्मिक हो तो आप मिला के साई लग भगवान सामने खड़ा हो जाएगा। कहा है ना, षडज ने पाया ये वरदान, षडज है जो सही लग जाए तो उसका भगवान के घर से वरदान है, भगवान सामने खड़ा हो जाएगा, क्या बात है। तो ये देखिएगा, जब पखावज की सिखावट होती है, पखावज का सिखावट जिसको बोलते हैं शिक्षण, जो हम छात्रों को सिखाते हैं या हमने सिखा, उसका ये है कि पहले शुरू से परन चक्रदार तो तोड़ा टुकड़ा ये सब नहीं होता है, क्योंकि ये अगर आप नए शागिर्द के हाथ में डाल दोगे तो उसको सीखते सीखते बरसों लग जाएंगे। तो पहले पखावज का छोटा गुरु मंत्र देना चाहिए जिससे वो पखावज सीख सके, और सीखना है देखिए आगे ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है आगे है बोलो का कि धा लगे बरोबर धा ए ई ऐ आ ए ती ऐ, ये बरोबर टी टै धी टै, तो टी टै में ए धी टै में ओ आ भी लगी आ भी लगा, तो ये सीखना होता है और ये शागिर्दों को सिखाना होता है। और इसके बाद में हम चलते हैं धागे धी पे धागे।
अब हमने जो कहा है कड़ता, ये फ्लैम बोलते दोनों हाथ को इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, ये आगे पीछे हल्का रहता है। निकलना चाहिए कड़दा कड़धा, तो दोनों हाथ बरोबर निकलना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं गदिगन पे, तो वो पखावज की प्योर चीज और ये भी पखावज की प्योर चीज। गति की आगे फिर चलता है मैंने क्या कहा कै त्रिकट संगत आगे टीट, तो इसके साथ अगर ये सब बोल एक जैसे दोनों हाथ से निकले तो फिर बहुत अच्छी बात है, और उस पर रियाज किया जाता है, ऐसे बोलने से नहीं होता है। अरे अभी हो गया, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, अब आगे इधर ही कर दिया हमने ना, धूम निकलेगा नहीं तो दी निकलेगा, तो दी निकलेगा तो फिर वो धूम का साउंड नहीं है जो हम मुंह से बोल रहे हैं, वो हाथ से निकलना चाहिए। डेफिनेशन क्या हुआ, तो नए है ताई मेरे हिसाब से जो मैं सिखाता हूं, तो वो क्लियरेंस हो गया पखावज, नहीं तो वो ता न आता तो ताई लगता था। ये नहीं होगा, तो ये नहीं है बोल, लेकिन ठीक है जो बोलते हैं कि हमारे घराने की परंपरा है, हमारे इस घराने की परंपरा हमारे इस घराने की है, ठीक है हमारे भी कुदो सिंह घराने की परंपरा है, लेकिन मैंने कुछ उसमें थोड़ा अपनी सोच लगाई, तो उससे वही चीजों में मैंने सोच लगाई और कुछ नहीं किया, और वो उसका हिसाब इतना अच्छा हो गया कि बस पूछिए मत, और सब बोल क्लियर हो गए। तो ये होता है, तो मैं सब स्टूडेंट को बोलता हूं कि ऐसा ही सीखे। तो अब हम स्पीड में तो करेंगे नहीं, तो ये सब चीजों का ध्यान देवे शांति से, और सीधा ये बजा के डबल में नहीं जाने का, आज से आधा घंटा ये ले में बजाया, आधा घंटा थोड़ा उससे पास, आधा घंटा उससे पास, आधा घंटा उससे पास, और आधा घंटा जो है वो सब बोलो को एक ले में धगधड़ 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 धगधड़
ये होता है। तो लेकिन बोलों के निकास, कौन से बोल पे कैसा वजन देना, तो संगीत की अपनी भाषा है, तो बोलों की भाषा है, तो ये जरा आ जाओ ठीक है, बस ये मेरा बोलना है। थैंक यू। प्रचलन बखावज का बहुत कम हो गया है, बहुत कम लोग बजा रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बखावज के लिए किस तरह से प्रयास होने चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो बखावज आगे फैले, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तबला तबला है, बखावज बखावज है, और बखावज की बात तबले में आनी चाहिए। तो इसका प्रचार प्रसार होने के लिए हम लोग क्या कर सकते, क्या करना चाहिए? मृदंग ये ऐसी चीज है और भारतीय संस्कृति है, ये इससे बड़ा वाद्य है नहीं जी। चमड़े का वाद्य इससे बड़ा नहीं है जी। प्रथम वाद्य है। हाँ, तो यही अगर लुप्त हो जाए तो कोई मतलब नहीं है फिर क्या रहा जी। जी, सही बात है, मेरे को तो नहीं लगता कुछ रहा। हाँ, और दूसरी बात है कि आप लोग अगर वर्कशॉप करते हो, जो कि पखावज का वर्कशॉप रख दिया, तो ये करना चाहिए और हमारे संगीत का प्रचार होना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें जानने मिली, मुझे लगता है दर्शकों ने भी बहुत सुनकर बहुत एंजॉय किया। शुक्रिया करता हूँ।